Let's call it in the crossfire. Hello guys, what is up? Welcome to the channel India Sonic. आज की वीडियो है इंडिया की अपनी माफिया कार पे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा के स्कॉर्पियो की। अब इसे माफिया कार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी स्टाइल और स्ट्रीट प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है, और ब्लैक कलर में थोड़ी मॉडिफिकेशंस के साथ तो ये गाड़ी लोगों को मुड़ मुड़ के देखने पर मजबूर करती है। हालांकि स्कॉर्पियो को सेफ्टी रेटिंग में 0 स्टार्स मिले हैं, फिर भी इंडियंस को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इंडियन रोड्स और ऑफ रोडिंग के लिए भी ये काफ़ी कैपेबल है, जो कि आज हम देखने वाले हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे गाड़ी एक स्टीप हिल पे, जो इसके हाइट से भी ज़्यादा है, बड़े आराम से चढ़ जाती है, वो भी बारिश के टाइम पर। ये एक टग ऑफ वॉर की वीडियो है ट्रैक्टर के साथ, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, पर स्कॉर्पियो उसे भी खींच लेता है। इस क्लिप में ट्रक पानी में एक गड्ढे में फंस जाता है, और हम देखेंगे कि कैसे अपनी पावर से स्कॉर्पियो उसे रेस्क्यू कर लेती है बिना अपने टायर्स की ग्रिप लूज किए। अब हम एक ड्रैग रेस देख लेते हैं टाटा की सफारी स्टॉर्म के साथ। सफारी स्कॉर्पियो से बड़ी और महंगी भी है, पर फिर भी स्कॉर्पियो स्टार्ट में लीड ले लेती है और उसे मेंटेन करती है। यहाँ देख सकते हैं कि कितनी लंबी इंक्लाइन है, और स्कॉर्पियो फुल स्पीड से आती है बिना किसी टेंशन के। इस क्लिप में हुआ ये है कि जो SUV 500 है वो 2-व्हील ड्राइव है, और स्नो में उसे चलने में बड़ी परेशानी हो रही है, तो उसे स्कॉर्पियो से बांध कर लिया जा रहा है, और स्कॉर्पियो भी खींच लेती है SUV को बड़े आराम से। एक और टग ऑफ वॉर की वीडियो देख लेते हैं, जो कि है बोलेरो के साथ। अब बोलेरो को भी पावरफुल माना जाता है, पर स्कॉर्पियो के सामने वो झुक जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे स्कॉर्पियो उसे खींचती चली जाती है। बोलेरो काफ़ी ट्राई करती है अपने टायर ज़मीन में गड़ाए रखने के, पर कुछ काम नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि उसे खींचते खींचते अपने घर ही लेके जाएगी स्कॉर्पियो। अब गाड़ी के ऑफ रोडिंग पे नज़र डाल लेते हैं। स्टार्ट में एक गहरे गड्ढे से निकल जाती है बिना किसी परेशानी के। और आगे आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल गड्ढे कितने गहरे हैं। गाड़ी का पूरा टायर ही अंदर घुस जाता है, फिर भी गाड़ी चल रही है बिना रुके। यहाँ गाड़ी की स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया है वो दिखाई दे रही है। टायर कितनी ऊंचाई पर चला जाता है हवा में, फिर भी सेफली क्रॉस कर लेती है ऑब्स्टेकल। इंक्लाइन चढ़ने में तो ये गाड़ी माहिर है। आप देखेंगे कि गाड़ी का अगला टायर हवा में है, पर जो टायर ज़मीन पर टिका हुआ है उनकी मदद से ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर इतने कीचड़ वाली सिचुएशन में भी कैसे स्पीड से निकल जाती है, और बड़ी बात तो ये है कि रिवर्स में भी बाहर आ जाती है, जैसे कि आप देखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं, जब रेनो की डस्टर वही सेम ऑब्स्टिकल ट्राई करती है तो वो फंस जाती है। तब स्कॉर्पियो उसे रेस्क्यू करने आती है और खींच के ऊपर लेके जाती है अपने साथ। गाड़ी की वाटर क्रॉसिंग कैपेबिलिटी देखते हैं अब। स्कॉर्पियो की ऑफिशियल वाटर वेडिंग कैपेसिटी सिर्फ 350 मिलीमीटर है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा गहरा जा सकती है गाड़ी।
और स्नॉर्कल लगाकर तो कैपेसिटी को डबल भी किया जा सकता है। देख सकते हैं कि आखिर में पानी कितना गहरा है, पर स्कॉर्पियो बड़े आराम से निकल जाती है जबकि उसका एग्जॉस्ट सरफेस लेवल के नीचे है। वापस आते समय आपको क्लियरली दिख जाएगा कि पानी का लेवल गाड़ी के बोनेट तक आ जाता है, पर फिर भी स्कॉर्पियो बिना रुके चलती जाती है। अब यहाँ स्कॉर्पियो महिंद्र की ही थार के साथ टग ऑफ वॉर करती है। थार भी कड़ी टक्कर देती है, पर स्कॉर्पियो आखिर में उसे खींच ही लेती है। जैसे दूसरी बड़ी SUVs Endeavor और Fortuner की वीडियोस देखी थी हमने खेत में हैरो को खींचते हुए, वैसे स्कॉर्पियो भी कर सकती है आसानी से। एक और ड्रैग रेस देख लेते हैं। इस बार रेस है टोयोटा की Fortuner के साथ। गाड़ी कंपैरेटिवली लाइट वेट होने की वजह से रेस लाइन से जंप करती हुई लीड ले लेती है और मेंटेन करती है। फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में प्राइस डिफरेंस तो सबको पता ही है। फोर्ड की प्रीवियस जनरेशन एंडेवर इतनी भारी भरकम होने के बावजूद भी स्कॉर्पियो उसे खींच लेती है। तो चलिए दोस्तों, बाकी की क्लिप्स आप एंजॉय कीजिए। लास्ट में एक वीडियो है जहां स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के साथ टग ऑफ वॉर करते हुए दिखाई देती है, तो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।